नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया, इस समय भी मैं रिसेंट में भी वीडियो बनाया था, उस टाइम पे भी हमने इस स्टॉक से रिलेटेड बाई की रिकमेंडेशन दी थी। हालांकि देखिए दोस्तों, पहली बात तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह का मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहता, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक को देख करके मैं कुछ ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एट्रेक्टिव होते हुए दिखता हूँ। क्यों, उसके पीछे की अगर मैं रीजन्स की बात करूँ तो अभी तक कंपनी ने किसी का भी पैसा डुबाया नहीं, किसी भी प्राइस पे किसी ने भी बाइंग किया उसका पैसा आज भी बना है। हालांकि रिसेंट में किसी ने भी बाइंग किया होगा, हो सकता है कॉर्पोरेट एक्शंस के चक्कर में किसी ने बाइंग किया होगा तो उसका पैसा देखा जाए, मतलब थोड़ा सा ये कंपनी अभी कंसोलिडेशन फेस में चल रही है। हालांकि आज की जो गिरावट देखने को मिली है मार्केट की हो चाहे स्टॉक की हो दोस्तों, आज की जबरदस्त लगभग 4% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं जिन्होंने भी इस स्टॉक को बाई किया होगा टॉप पे अभी रिसेंट में, सोच रहे हैं खत्म हो गया। देखिए दोस्तों, खत्म होगा या नहीं होगा जिससे रेट में बात करूंगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि कंपनी 500 तक भी आ सकती है जिससे रेट में आगे डिस्कस करूंगा। हम आ गए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन ऑलमोस्ट ये कंपनी 4% के आसपास गिरावट दर्ज किया है। यहाँ पे जो हमारा टारगेट प्राइस था लगभग 600 रुपये के, मतलब 600 से आप कह सकते हैं कि लगभग 580 रुपये तक ये कंपनी आ सकती है। हालांकि आज की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं ये कंपनी 585 रुपये का इलो लगाया है। अभी जो हमारा टारगेट प्राइस है निचले लेवल का, उसको इस कंपनी ने तोड़ा नहीं है। देखिए दोस्तों, मार्केट है, यहाँ पे किसी बात की गारंटी नहीं होती, लेकिन आज के दिन आपने देखा होगा कि FMCG सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला। जैसे डाबर की बात करें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 6-7% की गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये भी कंपनी डायरेक्टली FMCG सेक्टर को ही बिलोंग करती है। तो इस हिसाब से इस स्टॉक में भी आज के दिन गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर लो की बात करें, हाई की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे नहीं है। जैसा कि हम आपसे हर वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 100 रुपये से 150 रुपये करेक्शन पे अवेलेबल रहती है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो अभी डिस्काउंट में ये कंपनी मिल रही है, मेरे पॉइंट से आप कह सकते हैं कि 100 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल चुका है। तो 100 रुपये की अगर बात करूँ, जिस टाइम पर ये कंपनी आप कह सकते हैं कि 1500 की प्राइस पर चल रही थी, तो उस टाइम पर अगर ये 100 से 150 रुपये की डिस्काउंट भी अवेलेबल रहती थी तो 10% के आसपास रहता था, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस टाइम पे ये कंपनी 15% तक की गिरावट दिखा चुकी है। हालांकि 6 महीने में कुछ भी गिरावट नहीं है, और 1 महीने की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस कंपनी ने लगभग 10% के आसपास या 10% के ऊपर कंपनी ने गिरावट दर्ज कर चुकी है। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से देखिए एक कमबैक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इस समय जिस टाइप का मार्केट में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, तो दोस्तों होगा क्या मार्केट में कि इस टाइप से स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। देखने का मतलब क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जो स्टॉक रिटर्न बना के देता है उसमें से ही प्रॉफिट बुकिंग होगी, न कि जो स्टॉक लॉस में चल रहा है या 70% मतलब जो अपने ऑल टाइम हाई से 70% 60% डाउन है, तो उसको कोई लॉस में क्यों सेल करेगा। सोचता है कि 30, अगर मान लीजिए किसी स्टॉक को आपने 100 रुपये में बाइंग किया और वो कंपनी अभी 30 रुपये चल रही है, तो अभी आप क्या सोचोगे कि 30 रुपये का अगर मैं इसी स्टॉक को सेल कर दूंगा तो 20-25 रुपये तो ब्रोकर ही ले लेगा, तो उस हिसाब से बचेगा क्या। तो इस हिसाब से इसको पोर्टफोलियो में पड़ा रहने दो, जो अभी हमको रिटर्न बना के दे रहा है उस स्टॉक में से प्रॉफिट बुकिंग करो। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से VVL से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो कहाँ तक आ सकती है कंपनी, उससे रिलेटेड मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर मैं कुछ न्यूज़ की बात करूँ तो देखिए इतना कुछ खास न्यूज़ देखने को मिला नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, निफ्टी में 2.25% की गिरावट देखने को मिली, तो निफ्टी में जिस टाइप की गिरावट देखने को मिली दोस्तों, तो कहाँ से, ये वरुण बेवरेजेस हो चाहे छोटे मोटे स्टॉक अनलिस्टेड मार्केट में तो नहीं कह सकते, हाँ लिस्टेड मार्केट में जितने भी स्टॉक है दोस्तों उनका इम्पैक्ट निफ्टी 50 या सेंसेक्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखता है। यहाँ पर अगर आप देखें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो कि 30% अपसाइड की सलाह दी गई थी, जैसा कि हमने इससे रिलेटेड पहले ही डिस्कस किया था। सेकंड अगर मैं सिटीज की बात करूं दोस्तों, तो इस स्टॉक को फिर से रेटिंग कर रहे हैं बाई की। तो जो इन्वेस्टर सोच रहे हैं खत्म हो गया, फिर स्टॉक नहीं जाएगा, 500 की प्राइस पे आएगा, देखिए 500 की प्राइस पे आ सकता है नो डाउट, लेकिन आपके लिए हर गिरावट इस स्टॉक के लिए बाई बैक, मतलब माफ करना, बाई का काम कर सकता है, मतलब एक बाय ऑन डिप्स भी आप कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहते कि ये स्टॉक किसी भी टाइम कमबैक कर जाएगा, किसी को भी नहीं मालूम है। आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, जिन्होंने भी इस स्टॉक में पैसा लगाया है, जिन्होंने लॉन्ग टाइम में लगाया है, उसको आज भी ये कंपनी लॉस नहीं दे रही है। यहाँ पे अगर आप न्यूज देखें तो सिटी इनिशिएट की अगर बात करूँ, कवरेज ऑन वरुण बेवरेजेस पे जो कि बाई की रेटिंग दे रही है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 800 रुपये का टारगेट देखने को मिल रहा है। हालांकि जो हमारा टारगेट है दोस्तों थोड़ा लॉन्ग टाइम का है, तो 1000 रुपये हमने इस कंपनी का टारगेट भी दिया है। यहाँ पे देखा है तो बहुत सारे स्टॉक जो कि परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट ओवरव्यू में देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि वरुण बेवरेजेस जो कि क्लोज लगभग 587 रुपये के आसपास,
और देखा तो इससे रिलेटेड जो वो टारगेट दे रहे हैं, मतलब कि इसके अगर डे के चेंजेस देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले कितने दिन से ये स्टॉक गिर रहा है, 1 अक्टूबर के दिन 1% की तेजी देखने को मिली थी, 612 रुपये जो कि कंपनी का क्लोजिंग था और 608 रुपये पे कंपनी ने ओपनिंग दिखाया था। इसको अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लगभग एक हफ्ता से ऊपर, मतलब मंडे से लेकर के फ्राइडे और वापस अगेन मंडे, मतलब 8 दिन तक दोस्तों इस स्टॉक में लगभग देखिए आफ्टर मार्केट जो मतलब जो हॉलीडेज को छोड़ करके क्लोजिंग डेज को छोड़ करके फिर आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 6 दिनों तक इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिली थी। इस चीज़ को आप यहाँ से यहाँ तक चाहे तो डेट के साथ नोट कर सकते हैं। तीन सब चीज़ों को नोट करके दोस्तों देखिए आप चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि मार्केट है यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों, कंपनी 500 पे आए तो आपके लिए एक और बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हालांकि कंपनी 400 पे भी आ जाए तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं इतना ही कहूँगा जो रिटेलर्स सोच रहे हैं कि खत्म हो गई हम, मतलब किसका गिरना तय है फंसना तय है, दोस्तों हम इतना ही कहेंगे कोई नहीं फंसा है। अभी तक देखा जाए तो कंपनी 15% भी पूरी तरह से डाउन नहीं हुई है। 74 लाख 75 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए जिसमें 67% माल डिलीवरी उठा गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिलीवरी परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको होल्डिंग की एक मतलब की एक जिज्ञासा दे सकती है, मतलब कि आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे अनाउंसमेंट में इतना कुछ खास छोटा मोटा अपडेट ही देखने को मिलेगा, कुछ भी इतना खास अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से जो भी इंटरेस्ट इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, चाहे शॉर्ट टाइम हो चाहे लॉन्ग टाइम हो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप चाहे तो फिलहाल के लिए करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। वर्स्ट में वर्स्ट देखिए दोस्तों ये कंपनी अभी तो 580 के लेवल को तोड़ा नहीं है, हालांकि 550 भी आ सकती है, लेकिन हाँ किसी भी टाइम में कंपनी कमबैक करेगी फिर आप जो है कि इस स्टॉक को बाई भी नहीं कर सकते। और फिर देखा कि ये कंपनी एक ऑल टाइम हाई भी अचीव कर सकती है, या मतलब जितना गिरावट दर्ज किया है कंपनी बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको कवर भी कर सकती है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा मेरे पॉइंट से गिरावट होती है तो लास्ट 500 से 550 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी आप कह सकते हैं कि 1000 के लेवल को भी टच करेगी। हालांकि अगर ब्रोकर्स के अनुसार ये कंपनी 800 के लेवल को तोड़ती है तो छह तो ब्रिज छोड़ को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।